हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं आज के 75th रिपब्लिक डे पर। हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़े दिन है। आज के दिन पे हमारे लॉन्गडिंग पे किस तरह से मनाया गया आप सभी को दिखाएंगे। अभी ग्राउंड पे चलते हैं, ग्राउंड पहुँच के दिखाएंगे आप सभी को। तो आप सभी बने रहना और ग्राउंड पहुँच के दिखाएंगे आप सभी को। देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं आज के दिन रिपब्लिक डे मनाने के लिए। कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। चलिए उधर जाके देखते हैं उधर से। टुडेज चीफ गेस्ट Deputy Commissioner of Longding District, Sri Baker Nirav Ji, to give away the prizes to the best contingent. आज बहुत ही बेहतरीन पैरेड का प्रदर्शन देखा है, तो उसके बेसिस पे हमारे जजेस ने उन्हें मार्क किया है और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बेस्ट कंटिंजेंट है उसे अवार्ड देने के लिए निर्णय लिया है। तो देवियों सज्जनों, आज की तीसरी पोजीशन पे जो आए हैं वो है यंगलो इंग्लिश स्कूल के बॉयज। लेडीज एंड जेंटलमैन, द थर्ड पोजीशन फॉर द बेस्ट कंटिंजेंट गोज टू यंगलो इंग्लिश स्कूल। यंगलो इंग्लिश स्कूल के बॉयज दौड़ के आइए, आप लोग जहां गए भी हैं। येलो इंग्लिश स्कूल के बॉयज, कोई टीचर आने से भी होगा, एनी वन ऑफ यू, क्या हो गया? सेकंड पोजीशन इन टुडेज कंटिंजेंट गोज टू डॉन बॉस्को स्कूल। तालियां ऐसे होने चाहिए। तो सेकंड पोजीशन मिला है डॉन बॉस्को स्कूल के बॉयज को। तो बॉयज जहां गए भी आप लोग दौड़ के आ जाइए। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आप लोगों को ट्रॉफी देने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। द फर्स्ट पोजीशन इन टुडेज पैरेट और वी कैन से द बेस्ट कंटीजन गोज टू वीकेवी गर्ल्स और सेना। एज एक्सपेक्टेड वो पहले से लाइन में थे सर। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू द वीकेवी गर्ल्स। सुनने से फोटो खिंचवा लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलता है। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द बेस्ट परफॉर्मिंग कंटिंजेंट। हैव अ फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी ऑफ द ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन। तो ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन का गाड़ी जहां कहीं भी है आप जल्दी मैदान पे आ जाइए। Students will have a full display, so I'd like to request all the. Now we have a flagging off ceremony of EVM demonstration by our Honorable Chief Guest, Deputy Commissioner of Longding District, Sri Baker Nirav Ji. जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस साल हमारा इलेक्शन होने वाला है, तो वोटिंग राइट्स बहुत जरूरी है। कल भी हमने नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया है विद द टीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो सभी जो 18 साल हो चुके हैं सभी से अनुरोध है कि जब आपका मतदान यानी कि वोट देने का जब समय आएगा तो कृपया सब अपने घर से निकलेंगे और अपना उस पर और उसे जरूर वोट देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव फुल डिस्प्ले।
देवी और सज्जनों, अब वक्त हो चला है हमारे प्यारे करने का और उसे सराहना करने का। तो चलिए आप लोगों के सामने आएंगे कि जी प्री स्कूल के बच्चे, कि जी प्री स्कूल के बच्चे आप सामने, इतने छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मन्ने बच्चे हैं आप देख पा रहे हैं, पर काफी शान और गौरव के साथ वो आगे मैदान पर बढ़े जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ जिंदगी में प्री स्कूल का महत्व में आपको किजी स्कूल मिलेगा। तो जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप लोग स्कूल में एनरोल कर सकते हैं। एडमिशन का जो प्रोसीड्यूर है और जो शुरुआत है वो अप्रैल महीने में होता है। और ये जी लर्न लिमिटेड के द्वारा चलाया जाता है। तो देवी और सज्जनों ने नन्हे मुन्ने हमारे बजा सकते हैं, मेरे तालियों से और तालियों की आवाजें आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है, अब दोबारा इस पर कोई आज न आने देंगे। धन्यवाद। मेरे रगों में तो आज देशभक्ति कूद कूद के भरा हुआ है, इसलिए
कुछ और लाइनें आप लोगों के लिए। मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरे कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिख जाता हूं। धन्यवाद। सामने हैं सेंट जोहन्स स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों को पेट्रियोटिक पीटी डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद होगा अरुण ज्योति बालवादी के बच्चे। So ladies and gentlemen, next we have dance by Arun Jyoti Balwadi children, which is followed by patriotic song by Kendra Vidyalay Lombi. जैसे प्यारे बच्चे आप लोगों के सामने खड़े हैं, क्या आप लोगों ने तालियां बजाई उन लोगों के लिए? के साथ फेर रहे हैं, इन्हें देख के कुछ शब्द कुछ लाइन याद आई है, फरमाइश करना चाहती हूँ और आप लोगों के सामने पेश भी करना चाहती हूँ। अर्ज किया है, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। और सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे जो अपनी आवाज का जादू बिखरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, yeah।
Vidyalaya Longding for this beautiful patriotic song. Next we have a patriotic dance by Government Secondary School Longding, which is followed by band display by VKV Neusa. मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया, मुझे छाती से अपनी टूर लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। इन्हीं शब्दों के साथ में जितने भी यहाँ जवान हमारे बैठे हैं, सभी के लिए जोरदार तालियां। भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हम अपने प्यारे तिरंगे को देखते हैं तो मन में एक जोश और उमंग की भावना जागती है और इसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तिरंगे की कल्पना से लेकर उसके राष्ट्रध्वज बनने की यात्रा बड़ी रोचक है। अभिमान की भावना का अनुभव करने का तिरंगा उम्मीद भी है और प्रेरणा भी, ये लक्ष्य भी है और वहां पहुंचने का जज्बा भी। आइए हम सब आज ये शपथ लें कि अपने इस खूबसूरत तिरंगे की गरिमा बनाए रखने का कोशिश अंतिम सांस तक करते रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वी हैव बैंड डिस्प्ले नेवसा, विच इज फॉलोड बाय पेट्रियोटिक सॉन्ग बाय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोकडी। तो मैं सभी से दोबारा अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे बीकेवी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वी हैव अ पेट्रियोटिक सॉन्ग बाय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोंगडिंग, व्हिच इज फॉलोड बाय Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद गवर्न हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आपके इस बेहतरीन पेट्रियोटिक सॉन्ग के लिए। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं, कल चले हम फिदा जानो तन साथियों, कल चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। At last but not the least, we have a character demonstration by Ms. Jyoti Yorpan and the team. Karate demonstration के team members, आप जहां कहीं भी हो अपना मंच को तैयार रखिए, तब तक हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने बेबी शो जो हुआ था हमारे पांच नंबर स्कूल में मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से, उसका जो प्राइस लिए से वो हमारे पास यहाँ पहुंच चुका है। तो जब तक हमारे कैराटे टीम अपना तैयारी करते रहेंगे, हम बेबी शो के विनर्स को यहाँ प्राइज देंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे एसपी सर देखिए गुंजा सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे आज के बेबी शो का जो पहला वीडर है जोसन पंसा, उनका पेरेंट्स का नाम है ख्वाली अरमहम फ्रॉम विलेज बोरिया। जोसन पंसा जो बच्चे का नाम है वो जोसन पंसा, द पेरेंट्स नेम ख्वाली अरमहम फ्रॉम बोरिया विलेज। आप जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाइए और अपना जो तोहफा है, जो प्राइजेस आपको दिया जा रहा है, उसे हमारे एसपी सर के हाथों से ग्रहण करें। बेबी शो के जितने भी विनर्स हैं, एक बार उनका नाम यहाँ अनाउंस करना चाहती हूँ, आप सभी यहाँ आ जाइएगा। The first prop is goes to Joseph Bansa, parents name Kuali Aramham from Bonia village. The second prize goes to Guru Pyaping, parents name Take Sunya. Third prize goes to Liangam Losu, parents name Panglem Losu, village Kamhua Noklu. And we have another third prize. It goes to Nyome Wangpan, parents name Nyokhao Wangpan from Nyanu village. तो parents आप जहां कहीं भी हैं कृपया कर यहां आ जाइए। मेरी मेरी कंग्रेचुलेशन, आपका बेबी हमेशा इसी तरीके से हेल्दी रहे। और कोई पेरेंट्स है? ओके, हमारा कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेशन तैयार हो चुका है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी हैव अ कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेशन बाय मिस टर्की योरपिन एंड द टीम। Sorry.
देवी सज्जनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने अभी जिस लोगों ने कैरेटे का प्रदर्शन किया है, श्री जेवांग बंगजन और ताईचित वांगसु नेशनल लेवल पर अपना प्रदर्शन बहुत पहले दिखा चुके हैं और वो बिल्कुल सक्षम है इस कैरेटे डेमोन्स्ट्रेशन में। पूरी टीम मेंबर्स ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में 8 मेडल जीते हैं, स्टेट लेवल में 23 मेडल्स जीते हैं और नेशनल लेवल पे 4 मेडल जीते हैं। और 2019 में स्टेट लेवल डिसिप्लिन ट्रॉफी से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। कुल मिलाकर कैरेटे डेमोन्स्ट्रेशन टीम ने अब तक 35 मेडल्स जीत चुके हैं। जिस तरीके का माहौल है उसमें सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। क्या पता कब कहां किस मौके पे हमें इसकी जगहों के लिए कुछ जन शब्द। आज के इस आजाद भारत देश को पाने के लिए हमारे देश के सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत माँ के सभी वीर पुत्रों को याद करते हैं और उनसे कि हमारा पहला धर्म राष्ट्र धर्म होगा। हम बंदूकें नहीं उठा सकते लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देके उठाएंगे। हम देश के लिए प्राण देके तिरंगा नहीं उड़ सकते लेकिन जो भी इस करकती हुई ठंड में बेघर बेबस मिला उसे कंबल जरूर उड़ाएंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़ा होकर पहरा नहीं दे सकते लेकिन शपथ लेते हैं कि जहां कहीं भी राष्ट्रगान बजेगा वहां हम जरूर खड़े रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि खुद से पहले देश का ध्यान रखेंगे। हर धर्म और ग्रंथ से बढ़कर हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहे हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा।
हम रहे या ना रहे भारतीय रहना चाहिए। सभी अपना अपना गला साफ करके रखिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो बेबी शो का जो विनर से दोबारा आप लोग यहाँ आ जाइए। फर्स्ट प्राइज जोसन पंसा, जोसन पंसा के पेरेंट्स जहाँ कहीं भी है। हेल्दी बेबी कंपटीशन में का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्हें फर्स्ट पोजीशन मिला है। हमेशा आपका बेबी हेल्दी रहे। और थर्ड प्राइज आए हैं। मैं फिर से हमारे जेपीसी सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वे हमारे थर्ड पोजीशन पे जो आए हैं लियावाम लोसू, पेरेंट्स नेम पोंगलियम लोसू, विलेज काभुआ लग्नू को सम्मानित करें। सर प्लीज। थैंक यू सो मच। हमारे पास और एक तीसरा नंबर पर है, उसके लिए मैं देश स्पेशल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। थर्ड पोजीशन पे हमारा जो हेल्थी कंपटीशन में जो आया है वो है न्योमे वंगपन, न्योमे वंगपन, पेरेंट्स नेम न्योखा वंगपन फ्रॉम नानो विलेज। थैंक यू सो मच डीएसपी सर और जेपीसी सर। पेशन के लिए अब हम ग्राउंड को साफ करने के बाद सभी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। हम दोबारा आने वाले साल में इसी जगह पे फिर से मिलेंगे। तब तक भगवान सबको हेल्दी रखे और सब पर अपनी दुआ, अपना जो कृपा है वो बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब सभी को दिखाया कि हमारा लॉन्गिंग पे किस तरह से रिपब्लिक डे मनाया गया। तो शुरू से अंत तक आप सभी बना रहा, शुरू से अंत तक आप सभी बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।